greetings to all my dear students so dear students in my previous video i had talked about pronoun the second parts of adjective so if you have not gone through with that video of mine so just go below in the description box there you will find a link just click on that link and watch my that video too and don't forget to subscribe my channel that is learn with Chesta Malwani and today we will be going to talk about adjectives it's kind आज हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे जो कि थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच है वी हैव कवर्ड नाउन देन प्रोनाउन एंड देन वी आर गोइंग टू कवर एडजेक्टिव्स जिसे हिंदी में हम विशेषण भी कहते हैं तो चलिए समझते हैं दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट आर यूज इन अ सेंटेंस टू टेल मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में यूज होते हैं ज़्यादा बताने के लिए नाउन और प्रोनाउन के बारे में एंड गिव दम अरेक्टरस्टिक एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को कैरेक्टर स्टिक्स देते हैं जो कि उन्हें हेल्प करता है द डिस्टिंग्विश देम फ्राम अदर नाउन अदर नाउन दूसरे नाउन से उस नाउन को डिफ्रेंस करने में हेल्प करता है एडजेक्टिवस कैन भी यूज बिफोर द नाउन एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के पहले भी यूज़ हो सकते हैं एंड आफ्टर द नाउन भी यूज़ हो सकते हैं नाउन के बाद वेन द एबजेक्टिव इज यूज बिफोर द नाउन जब एबजेक्टिव नाउन के पहले यूज होता है इट इज़ नोन एज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसे हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट जो है वो नाउन बॉय से पहले आया है दैट इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टि दे गिव एम फाइव बनानस तो ये फाइव वर्ड जो है वो बनाना मतलब नाउन के पहले आया है तो ये भी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा देखते हैं आगे क्या बताते हैं वेन दूस आफ्टर दर्ब जब हम वर्ब के वर्ब के बाद यूज होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं इट इज नोन एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जैसे कि दीज एपल आर स्वीट तो ये स्वीट जो है वो बाद में यूज हुआ है दैट इज प्रेडिकेटिव the boy's the boy was intelligent so also it has used after so also it is predicative adjectives okay so now furtherly we will going to talk about the kinds of adjectives so let's have a look kinds of adjectives there are different kinds of adjectives based upon their effect on noun and what they denote about the noun तो यहाँ पर अलग अलग तरह के एड्जेक्टिव हैं और वो किस तरीके से कैटेगराइज हुए हैं उनके इफेक्ट्स नाउन पे क्या पड़ते हैं और वो क्या डिनोट करते हैं नाउन के बारे में तो बेसिकली देर आर सिक्स कैटेगरीज ऑफ एड्जेक्टिव दीज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी एडजेक्टिव ऑफ नंबर एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेशन एडजेक्टिव ऑफ इंटेरोगेशन एंड एडजेक्टिव ऑफ पोजेशन ओके So, I hope you understood the six names which have been spoken by me. So, let's have the look on the first one that is adjectives of quality. First, let's what is adjective of quality? An adjective of quality qualifies an object by telling of what sort or object is by answering the question, what kind of. Okay, these adjective describes the shape, size, color. और मैनर ऑफ थिंग्स और अ पर्सन ओके तो ये एडजेक्टिव आपको उसकी क्वालिटी बताता है ठीक है व्हाट काइंड ऑफ जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं इट वॉज डेंजरस सिचुएशन व्हाट काइंड ऑफ कैसी सिचुएशन थी डेंजरस आई सो ब्लैक डॉग वॉट काइंड ऑफ ब्लैक इट इज राउंड स्विमिंग पूल वॉट काइंड ऑफ राउंड ओके

चीज है कितनी द एडजेक्टिव दोइंग क्वांटिटी और डिग्री ऑफ नाउन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दे आर अनकाउंटेबल पहली बात तो ये काउंटेबल नहीं होते देखते हैं कैसे सम फूड टू स्टारिंग बेगर अ लिटिल हेल्प अब यहाँ सम और यहां लिटिल ये दोनों ही चीजें आपको बता रही हैं कुछ थोड़ा पर कितना ये नहीं पता चल रहा ही एट द होल पाई तो इसमें आपको होल का मतलब पूरा पर हमें नहीं पता ना वो पूरा था कितना सो इन दिस वे द सेकेंड कैटेगरी ऑफ एबजेक्टिव कवर्ड सो डियर स्टूडेंट्स इफ यू रियली अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट सब्सक्राइब माई चैनल हिट द लाइक बटन हिट द बेलाइकन सो दैट यू विल नॉट मिस एनी ऑफ माई कमिंग वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट बाय स्टूडेंट्स